नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रात 24। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की हेडलाइंस पर। कोटपुतली मुन्नी देवी मौत प्रकरण, थाने का किया ग्रामीणों ने घेराव। बाटखाने गांव में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस जुटी जांच में। जिलानी माता के मेले से पूर्व भैरोड में निकली कलश यात्रा। अनंतपुरा में हुई जन सुनवाई, लोगों ने बताई पेयजल समस्या। सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव ने किया क्षेत्र में धन्यवाद दौरा। श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव करौली दौरे पर, कई मंदिरों में किए दर्शन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सांसद ने बांटे गैस कनेक्शन। रेवाड़ी में विश्वविद्यालय की मनमानी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। कोटपुतली में 60 वर्षीय मुन्नी देवी की मौत अब राजनीतिक रूप लेती जा रही है। कल वहां के सैकड़ों लोगों ने थाने पर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। इससे पूर्व आजाद चौक पर ग्रामीण इकट्ठे हुए और एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। कोटपुतली की राजकीय पीडीएम अस्पताल में विगत 4 अप्रैल को इलाज के दौरान हुई मोहल्ला बड़ाबास निवासी वृद्धा मुन्नी देवी पत्नी रमेश चंद दर्जी की मौत के प्रकरण में शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोगों ने उपखंड कार्यालय पर नारेबाजी कर मामले की न्यायिक जांच हेतु एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उल्लेखनीय है कि घटनाक्रम में वृद्धा की मृत्यु के बाद आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सक व कंपाउंडर पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में नामजद मामला दर्ज करवाया था। वहीं कंपाउंडर श्रीराम गुर्जर व चिकित्सक डॉक्टर ब्रजबाला गुप्ता ने भी थाने में मारपीट, दुर्व्यवहार, गाली गलौज व राजकाज में बाधा का नामजद मामला दर्ज करवाया था। पीडीएम में जो मारपीट हुई उसके लिए कर्मचारी ने मुकदमा दर्ज कराया था और उधर से जिन की डेथ हुई है उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। 2 प्रकरण दर्ज हुए थे। एक प्रकरण में हमने कार्रवाई करके और चार्जशीट पेश कर दी। दूसरे प्रकरण में अभी कुछ रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए उसकी कार्रवाई बाद में होगी और बाकी साक्ष्य जो है वो ले रहे हैं, इसलिए ये आरोप बेबुनियाद है कि एक पक्षीय कार्रवाई की जाए। कई दिनों से 2-5 दिन लगातार उन्होंने हड़ताल की, लेकिन उनके प्रेशर से ये कार्रवाई की गई है ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मुकदमा जब दर्ज हो गया तो उसका इन्वेस्टिगेशन करके नतीजा तो पुलिस को देना ही है। नतीजा हमने दे दिया, चार्जशीट हमने पेश कर दी। ऐसा कोई एक पक्षीय कार्रवाई करने के लिए नहीं, दोनों पक्षों नहीं, हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं है, चाहे कोई इस चीज़ की जाँच करवा ले। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को कुछ तथ्यों का पता ही नहीं है। कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब वो हवन कर रहे थे तो वहाँ से उठा के ले गए, न तो कोई पुलिस वाला उठा के लाया, न हम वहाँ पे गए थे। प्रोसीजर के तहत 41(1) का नोटिस देकर हमें चार्जशीट पेश करनी थी, चार्जशीट पेश करने के लिए उनको तलब किया गया था, वो आए हैं। उससे पहले भी वो थाने में आए हैं, उनसे इंट्रोगेशन भी की गई थी, उनके मुकदमे में उनकी कार्रवाई की गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने वहाँ कोई ज़बरदस्ती की हो। और अब जो चीज़ बाजार में चलाई जा रही है या सुनने को मिल रही है उसमें तथ्य ऐसे दिए जा रहे हैं कि साहब पुलिस वहाँ पे गई, वो हवन कर रहे थे, उनको उठा के लाई। ऐसा कुछ नहीं किया गया, उनको बुलाया गया था, वो आए कोर्ट में, उनको पेश किया गया, वहाँ उनकी जमानत नहीं हुई। इस बात का उनका रोष है, वो मैं नहीं समझ सकता कि उन्होंने किस लिए बात नहीं की, क्योंकि मैं बात करने जब गया तो मुझे देख करके लोगों ने कहा कि नहीं चलो यहाँ से, बात नहीं करेंगे यहाँ से, चलो। बिल्कुल 100% मिथ्या है। हमने इन्वेस्टिगेशन की जो तरीका है, जो इन्वेस्टिगेशन जैसे करना चाहिए, जो सही तरीका है उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया है, और जो भी कार्रवाई की है वो विधिसम्मत कार्रवाई की है। हमने किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो मनगढ़ंत हैं, और वो कोई आदमी किस लिए लगा रहे हैं वो उनकी इच्छा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं कोटपुतली से वरिष्ठ पत्रकार राकेश शर्मा, उनसे हम जानते हैं पूरे हालात का जायजा।
कि 4 अप्रैल को जो मामला हुआ था सरकारी अस्पताल में, मुन्नी देवी नाम की एक 60 वर्षीय महिला थी, उनकी मौत हो गई थी इलाज के दौरान। राकेश जी, कल जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया वहां के लोगों ने आजाद चौक पर इकट्ठे हुए राम मंच के ऊपर, उसके बाद क्या हालात रहे स्थिति का? एक्चुअल में हनुमान जी, ये जो मुन्नी देवी वाला जो प्रकरण है, जिसके लिए मैं प्रकरण शब्द यूज कर रहा हूँ, ये एक तरह से उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है जी। ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। माना कि मुन्नी देवी 4 अप्रैल को इलाज के दौरान बीडीएम हॉस्पिटल पहुंची और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद में पोस्टमार्टम हुआ, तीसरा रिपोर्ट अभी नहीं आई है, और जो हालात वहां पर बने उस पर आप पहले भी बड़ी न्यूज प्रसारित कर चुके हैं, जहां मारपीट हुई और उन सारी बातों को लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से क्रॉस केस दर्ज हुए जी। और बीडीएम हॉस्पिटल की तरफ से जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जो वीडियो वायरल हुआ, उसके तहत पीड़ित परिवार के 3 लोगों को जेसीबी हुई जी। मामला इतना ही नहीं था, पीड़ित पक्ष की तरफ से लोगों की सहानुभूति कुछ इस तरह से बढ़ी कि अभी उन्होंने 19 तारीख को कैंडल मार्च निकाला और कल सुबह उन्होंने प्रातः एसडीओ जो सुरेश जी चौधरी हैं उनको ज्ञापन सौंपा, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि अचानक वो भीड़ कोटपूतली स्थानीय थाने का घेराव भी कर देगी। लेकिन राकेश जी, जिस तरह से भीड़ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, नहीं लगता आपको कि कोई राजनीतिकरण हो रहा है इस मामले का? आप संभवतः शायद ठीक ही कहना चाह रहे हैं, ना तो पीड़ित परिवार के पास इतना समय रह गया है, जिस घर में एक मौत हो गई हो, जिसके 3 लोगों को जेल हो गई हो, उस परिवार के लोगों के पास भला इस तरह के नारेबाजी करने का समय और सहानुभूति और संवेदनाएं कहाँ से आएंगी? जी बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग शायद इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर कोटपूतली क्षेत्र का माहौल न केवल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आशा के लिए बुलाया गया एसएचओ रविंद्र प्रताप सिंह को, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बावजूद उसके वो ड्रेस अपनी लगा करके बाहर आ पाते, इससे पहले वो भीड़ वहां से चली जाती है। इससे एसएचओ काफी आहत महसूस कर रहे थे अपने आप को, और उन्होंने तुरंत एक प्रेस वार्ता आयोजित की और उसमें मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए उन्होंने सारी घटना का खुलासा किया। राकेश जी, इस भीड़ का जो अगुवाई कर रहा है वहां पे कौन, जनप्रतिनिधि कर रहे हैं या लोकल लोग कर रहे हैं? इसमें यदि बात की जाए, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के नेतृत्व में कोई कार्य किया गया ऐसी बात तो नहीं थी। हनुमान जी, आपको जान के आश्चर्य होगा, जब एसएचओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि बिसरा रिपोर्ट अभी आई नहीं है, ऐसी स्थिति में पब्लिक का दबाव पुलिस पर बनाकर क्या इस तरह से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को अरेस्ट किया जाना संभव है? घटना वाले दिन से लेकर के और जब इनको अरेस्ट किया गया उससे पहले तक भी कुछ लोगों ने ऐसी मंशा जाहिर की थी कि यदि ये सब लोग जनहित में दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास करते तो हम बहुत अच्छी सहानुभूति उस परिवार के प्रति रख पाते और कोटपूतली क्षेत्र को राजनीतिकरण से इस तरह से बचा पाते। जी, आपने पुलिस अधिकारियों से बात की होगी, क्या रुख लगता है उनका, क्या कहना है उनका? पुलिस अधिकारी ने जब अपनी बात कही तो बड़ी अजीब सी, मुझे देखो हंसी भी आ रही है इस समय, उनका ये कहना कि जब पीड़ित पक्ष की तरफ से अग्रिम जमानत की अर्जी न्यायालय में लगाई गई, जब तक वो अर्जी खारिज नहीं हुई थी तब तक पुलिस के प्रति इनका पूरा विश्वास था, जनप्रतिनिधि का विश्वास था, इन्हें लग रहा था सब कुछ इनके मुताबिक ही होगा, और जैसे ही वो जमानत खारिज हो जाती है अचानक ही पुलिस में दोष पैदा हो जाता है, उसके खिलाफ नारेबाजी हो जाती है। क्षेत्र के पाटखाने गाँव में एक खंडहर के पास अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अज्ञात व्यक्ति की लाश को पुलिस ने कब्जे में लेकर बहरोड मोर्चरी में रखवाया है और अज्ञात व्यक्ति की परिजनों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। क्षेत्र के गांव बाटखानी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बहरोड मोर्चरी में रखवाया है और मामले की पड़ताल करने में जुटी हुई है। प्रथम दृष्टया पुलिस का मानना है कि किसी ने अज्ञात व्यक्ति के सिर पर मारकर उसकी हत्या की है, लेकिन मामले की तफ्तीश जारी है। करीब 9:30-10 बजे सूचना मिली थाने पे, बाट थाने के खंडर स्कूल है, उसमें एक डेड बॉडी मिली है। वहाँ पे जाके डेड डेमो मौका किया तो वहाँ पे एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी दीवार के पास में लगी हुई मिली, जिसके सर में से खून आए हुए थे। प्रथम दृष्टया किसी ने उसको मार करके वहाँ छुपाया है, जिसके बारे में जानकारी की जा रही है, लोग बागों से पूछताछ की जा रही है, जैसे भी खुलासा होगा तो सामने बता दें। पोस्टमार्टम तो अभी मोर्चरी में ला के रखवाई गई डेड बॉडी को, और अभी इसकी ज्ञात की जाएगी। मृतक की पहचान नहीं, वारिस में तलाश करके तो पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। बहरोड के ऐतिहासिक जिलानी माता के मेले के अवसर के एक दिन पूर्व सैकड़ों महिलाओं ने बहरोड में कलश यात्रा निकाली। गौरतलब है कि लाखों की संख्या में जिलानी माता के भक्त मंदिर में इकट्ठा होते हैं।
बहरोड में जिलानी माता मंदिर पर लगने वाले विशाल मेले के अवसर पर एक दिन पूर्व कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और महिलाओं ने अहिर धर्मशाला से कलश यात्रा शुरू की। बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा जिलानी माता के ऐतिहासिक मंदिर पर पहुंची। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को 13वां विशाल भंडारा जिलानी माता मंदिर पर लगेगा, जिसमें क्षेत्र के लाखों लोग उपस्थित होकर भंडारे में प्रसाद और माता से मन्नत मांगेंगे। बहरोड क्षेत्र के अनंतपुरा ग्राम पंचायत में कल एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें तहसीलदार हनुमान प्रसाद मीणा ने लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं गांव के सरपंच ने बताया कि गांव में पेयजल की समस्या है। क्षेत्र के अनंतपुरा में तहसीलदार ने जन सुनवाई की। इससे विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर तहसीलदार हनुमान प्रसाद मीणा ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ग्रामवासियों ने पेयजल की मुख्य समस्या से अवगत करवाया। सरपंच सुभाष यादव ने बताया कि गांव में 3 माह से पानी की किल्लत बनी हुई है। जनवरी माह से ट्यूबवेल का कार्य प्रक्रिया में है। संबंधित अधिकारियों को मौका दिखाया है तथा एक खुली बोरवेल को ढकने के निर्देश भी दिए हैं। अलवर सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव ने कल एक दर्जन से भी ज्यादा गांवों का धन्यवाद दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं का निपटारा करने का आश्वासन भी दिया। वहीं डॉक्टर कर्ण सिंह यादव ने कहा कि क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब तबके के लोगों को मुफ्त में गैस कनेक्शन वितरित किए गए। अलवर सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव ने कल अनेक लोगों को यह कनेक्शन उपलब्ध कराए। उज्ज्वला दिवस पर 40 बीपीएल परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन जयश्री सालासर इंडेन के द्वारा वितरित किए गए। एलपीजी पंचायत और सेफ्टी क्लिनिक का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर कर्ण सिंह यादव ने विश्वास दिलाया कि जिन बीपीएल कार्ड अंत्योदय परिवार और नरेगा कर्मचारी जिनका नाम इस लिस्ट में रह गया है, उन सभी गरीब परिवारों को भी फ्री में कनेक्शन मिलने चाहिए, इसकी मांग लोकसभा में रखेंगे। इस मौके पर बस्तीराम यादव, आरसी यादव, राजाराम एडवोकेट अंशुल, नरेंद्र सतवीर, ज्योति सैनी, सरपंच हितेंद्र यादव व मुकेश यादव भी मौजूद रहे। श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव इन दिनों करौली के दौरे पे हैं। उनका गार्ड ऑफ ऑनर से उनका स्वागत किया गया। श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव के साथ उनकी धर्मपत्नी किरण यादव भी साथ रही और अनेक मंदिरों में पूजा अर्चना की। श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव करौली पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद डॉक्टर जसवंत यादव करौली के कैला देवी, मदन मोहन और मेहंदीपुर बालाजी आदि मंदिरों में दर्शन के लिए गए। उनके साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर किरण यादव भी साथ रही। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय पे छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर धरना और प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। रेवाड़ी की इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में असुविधाओं और विश्वविद्यालय की मनमानी के खिलाफ एक तरफ छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है तो दूसरी ओर नॉन टीचिंग स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और स्टाफ का कहना है कि विश्वविद्यालय में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और मनमाने नियम बनाकर उन पर थोपे जा रहे हैं। कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन दे देते हैं झूठे, भैया आपका कर देंगे, 1 महीने में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे। अभी 2015 के बाद कंटिन्यू मिलते रहे हैं जी। अभी पिछले ना 5 तारीख को हमारी बात हुई थी, 5/4 को वीसी और रजिस्ट्रार से, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो ये 100% का जो हमारा है इस पर हम देखेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। हमने कहा कि भाई 10 दिन का हमने उनको टाइम दे दिया, टाइम के बाद भी कुछ नहीं किया। ऊपर से यूं कहते हैं कि तुम तो वही याद की बातें करते हो। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे राज 24। नमस्कार।